डंडे से पिटाई करेंगे ना तो निशान सीधे आएंगे, और अगर जूते से करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बेलन से उसकी पिटाई कर सकते हैं। टोडेमर साहब है ना, उनके इधर से आज पैसा मिलने वाला है, तो आपके इधर से किसी और दिन ले लेगी मैडम। हाँ, टोडरमल से जरूर ले लो, वो बड़ा कंजूस आदमी है। तुम्हारा हस्बैंड वो तुम्हें मार? वो ना मैडम गलती से मार दिया था, अगली बार मेरे को मारेगा ना तो मैं उसका ना हाथ तोड़ देगी। हाँ हम वो बोलना चाहता था कि मतलब आप डरा सकते हैं क्या? अरे बाबा, तुमको भी अभी टपकना था। ए भाई, ये हम चंदा बंदा तुमको कुछ नहीं देगा, और यदि तुम किसी प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे करने आया है तो हम किसी का रिप्लाई नहीं करेगा। कौन पगार देने का है ना शेट? पगार? कैसा पगार है? तुमको क्या हम कोई पे मास्टर लगता है? मेरा बीवी का मालिक दिखता है। बीवी का मालिक? अरे बाबा, ये सिर्फ हमारा मालिक है। क्यों जी, तुम किस किस बीवी का मालिक हो? ओहो बाबा, ये किसका बीवी का बात करता है, हमको क्या मालूम? अच्छा, तो बीवी का नाम बताएगा तभी तुम बताएगा कि तुम उसका मालिक हो कि नहीं। अरे बाबा, तुम क्या कंफ्यूजन करता है, तुम कौन है? अरे मैं मर्द है, चमेली का। ओ, अरे ऐसा बोलने का ना, तुम तो मुझको एकदम डरा ही दिया था। हम तो सिर्फ इनका मालिक है। नहीं नहीं, हम डॉली को रोज ऐसे ही बोलता है ना? बरोबर, मैं पण अपना चमेली को ऐसा रोज बोलता है, पण आज नहीं बोल पाया सेठ। क्यों? अरे सवेरे से बेहोश पड़ी है ना वो। बेहोश तो होगा ही ना, तुम उसको इतना मारेगा तो बेहोश तो होगा ही ना। वो खाली एक टाइम, वो भी उसने मेरे पे पहले हाथ उठाया तो मेरा अपन हाथ उठ गया, पर अब नहीं। अरे तभी तो मेरे को भेजी ना वो पगार लेने के लिए। अभी यहाँ से मेरे को पगार मिलेगा तो मैं उसको हॉस्पिटल लिया जाएगा ना। पगार? पगार तो हम तुमको नहीं दे सकता। बरोबर है, चमेली मेरे को ऐसे ही बोली। फिर मैं वो राजलक्ष्मी मैम साहब है ना, उनको मैं फोन किया तो उन्होंने मेरे को जो है ना ये उसका पगार दिया मेरे को। हाँ, और वो ये मम्मी सब करके है, उन्होंने पन मेरे को पगार दिया उसका। अच्छा, तो वो सब तुमको पगार दे दिया? आओ, अभी चमेली को हॉस्पिटल ले जाने के टाइम पे पैसा नहीं देगा तो मालिक किस काम का? तुम ठीक बात करता है, तुमको हमारा डॉली भी पगार देगा और हमारा कविता मैडम भी तुमको पगार दे देगा। अरे मैम, लेकिन वो कविता मैम आपका भी तो पगार बाकी है ना। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? हमको तो बहुत कुछ पता है। पता चल गया। तुमको क्या पता, तुम्हारे बारे में हमको कितना ज्यादा पता है। ये सही वक्त है तो चूना लगाने का। भीषण जी, आप हमारी भी पगार दे दीजिए ना इसको। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कविता मैम, हम अभी दे देता है। हमारा भी दे देना। ओ डॉली, हम दोनों का पगार देता है। ये लो 2000, पकड़ो 2000। एक दो तीन चार, ये तुम्हारा 2400 रुपया हो गया। बरोबर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद है। मैं चलते चौबीस। अरे वाह, अरे देवा, कितने दिन के बाद मेरे को इतना पैसा एक साथ देखने को मिला। ये किसी ने एकदम पक्का सच बोला है बाबा, हैं? पैसे जो है ना वो पैसे को खींचते करके। और ये चमेली क्या बोल रही थी कि शेठ लोग को पैसे का तकली क्या करके, शेठ लोग तो पैसा देना चाहते हैं, वो ही लेना नहीं चाहती थी। वो सोच रही होगी कि पैसा वो लेके आएगी तो मैं छीन लेगा ना। बरोबर है,
ओ चमेली, हाँ बहुत शानी बन रही थी ना तू। अब आज देख, मैं तेरी ऐसी चमड़ी उतारूंगा, ये इतना मारूंगा मैं तेरे को कि अगली बार तू पगार देने से पहले ही ना पगार का पैसा लेके आएगी मेरे पास। तू थाम रे आज, देखता मैं तेरे को। अरे चमेली, अरे क्या बात है, फिर चढ़ा ली? अरे चमक छलो क्यों हो गया तेरी चाल में? अरे 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 ये क्यों हो गया? तो ये मुझसे बदला लेने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रही? अरे ना, अरे ये तो सच्ची में बेहोश हो गई। अरे कविता जी, राजलक्ष्मी जी, चमेली बेहोश हो गई। अरे जल्दी आ जाओ। अरे क्यों हो गया? ओमी ओमी, ये कौन है? वैसे इसका चेहरा देखने से फैमिलियर लगता है, लेकिन याद नहीं आता है कौन है। ये बेचारा इधर का ही कुछ होया है, घर बार नहीं है क्या उसका? अरे ये चमेली है बेहोश हो गई। अयो, ओह माय गॉड, क्या हो गया इसे? चमेली चमेली, अयो ये तो फिर से बेहोश हो गया। कविता, हाँ वापस उसे उठाना पड़ेगा। ए ओमी, चल हेल्प करना। अरे मेरे नाजुक कंधों पे इतना बोझ। अरे एक मिनट, ये कौन है ये लोग जो इस बिचारी को उठा के ले गए? अरे चैन से सोने भी नहीं देता है। अरे दारू वाला भाई, कुछ तो समझा करो। नहीं नहीं, क्या समझने का है, बिचारी कैसी सो रही थी अच्छी तरह, और औरत लोग आके लेके गया उसको। अरे चुप। राजलक्ष्मी कितनी देर मेरे बेड पर सोएगी? और ना नीचे का घर। कविता, एक ही उड़ रहा है, क्या हो गया? हमशु ना चौमेली फिर से गिर गया। हाँ डॉली, देखो ना इसके हस्बैंड ने कितनी बुरी तरह मारा इसे। बस दिखा ना। हाँ ओके। उरी बाबा, इसका आदमी आदमी है या राक्षस? हमारे कोलकाता में ना ऐसा केस आज तक हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मुंबई में होता है। हाँ। अरे नहीं 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 विनोद भाई, अभी अभी मैं घर से निकला हूँ, थोड़ी देर में मैं आपके पास पहुँच जाऊंगा। धंधा नहीं बात विनोद भाई, मैं कभी लेट हुआ हूँ नहीं ना। अच्छा चलो आ बोलो क्या कब कैसे। बिचारे कितनी उम्र भी रही थी, बहुत छोटी थी। और सॉरी, मेरे को माफ कर दो। मेरे को लगता है लेकिन ऐसी गड़बड़ कैसे हुई? अभी फिर से उसको वापस ऐसे कैसे हुआ है? कुछ गड़बड़ तो है। चलो 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 आगे बढ़ो। अरे एक मिनट, में तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं फोन में बोल रहा हूँ, रुको रुको रुको। अरे भैया, मैं तेरे को नहीं, मेरी बीवी से बात कर रहा हूँ। धंधा नहीं बात, क्या कर रही हो जागृति? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं क्या था मेरे पीछे पीछे आ रही हूँ? मैं तुमको क्या बोलती हूँ जिन्ना के पप्पा, जैसे तुम्हें घर पे से निकले ना, तू मेरे को मिस करने लगी ना? नहीं, मैं तो मेरे को मिस नहीं कर रही। ऐसा हुआ ना जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें लगा कि मैं कुछ भूल गया और वो तू बताने आई? नहीं, जिगना के पापा। बोलो जिगना की मम्मी। प्लीज मेरे को एक बार एक शब्द बोलने दोगे? हाँ हाँ हाँ, जिगना की मम्मी एक शब्द बोलो। हाँ, मेरे को लगता है कि उसको ना कोई भयंकर बीमारी हो गई है। हाँ मुझे पता चला। है? तो मेरे को पता चल गया? मुझे क्या, पूरे शहर को मालूम है। हाय हाय, पूरे शहर को पता चल गया? वाह, इतनी मशहूर हो गई हो? अरे
ऐसे लोग होते ही मशहूर, हम जैसे लोग थोड़े मशहूर होंगे। अरे और ऐसे कैसे वो मशहूर हो गए? सारा दिन तो अपनी सोसाइटी में काम करती रहती है वो। वो अपनी सोसाइटी में काम करने कैसे आ सकती है इतनी बड़ी हस्ती? इतनी बड़ी हस्ती? अरे जरीना कपूर फिल्म की हीरोइन, शूटिंग करते करते 2-3 बार बेहोश हो गई तो डॉक्टर ने बोला लगता है कोई गंभीर बीमारी है। अच्छा तो मैं वो मशहूर हीरोइन की बात कर रहे थे? मैं हमारी सोसाइटी की हीरोइन चमेली की बात कर रही थी। तो मेरे को पता है वो वापस चक्कर खा के बेहोश हो गई है, तो मैं उसी को तो देखने के लिए जा रही थी। तू डॉक्टर है क्या? नहीं। हकीम है? नहीं। तो फिर क्यों वहाँ तू जा रही है, खामोखा वहाँ जाकर भीड़ बढ़ा रही है? बोलो, मेरे जाने से वहाँ पे भीड़ हो जाती है। अरे जागृति, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मन में उसके लिए कितना प्यार है, कितनी दया, कितना स्नेह, समर्पण, सब सब है, है? आखिरकार जीतना के पापा, इंसान ही इंसान को बुरे वक्त में काम आता है। ऐसा नहीं है जागृति, मेरी बात समझ। वो क्या है, राजलक्ष्मी और कविता अभी उसको घर ले गई है, और वो भी बता रहा था कुछ भी इमरजेंसी होगी तो वो लोग हमें बताएगी, धंधा नहीं बात है। ये तो मेरा वाद एकदम सच्चा है। और तुझे भी तेरे पापड़ के ऑर्डर पूरे करना है, धंधा नहीं बात है। ये बात भी तो मेरा सच्चा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ जिकना के पापा? क्या बोल रही हो? कि अभी तुम्हें तो मेरे रास्ते में जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाती हूँ। जिगरा की पप्पी, मेरा फोन धंधा नहीं बात। ये लो तो मेरा फोन है, धंधा नहीं बात। चमेली, चमेली, की हालो? चमेली, धीरे, आराम से, आराम से। की होलो चमेली? अरे चमेली क्या हुआ? मैं आप लोग को बोले थी ना कि मेरे नवरे को पगार मत देना, फिर काय को दिया? और पावे हमने किधर दिया? अरे वो हमसे मांगने आया था, मैंने ना उसको डांट कर भगा दिया, और हेमा से भी मांगने गया था, वो भी उसको डांट कर भगा दिया। लेकिन डोली मैडम और कविता मैडम ने तो पगार दिया ना उसको। उरी बाबा, उसका पोती ना हाथ में पैसा लेकर हमको दिखाया और बोला राजलक्ष्मी मैम और हेमा मैम ने दिया है, तो हमने भी पगार दे दिया। अरे तुमने उसको डांट कर नहीं भगाया? हम क्या झूठ बोलता है? तुम कविता से पूछो ना, कविता बोलो बोलो। अरे वो उसने आकर हमें बोला कि राजलक्ष्मी ने पैसे दिए हैं, हेमा ने पैसे दिए, तो मुझे लगा अब राजलक्ष्मी कोई गलत काम थोड़ी करेगी। इसी का तो वो फायदा उठाया। उरे बाबा, अभी हमको समझ में आ रहा है, वो जैसे भिखारी लोग अपने कोटोरी में खुद का पैसा डालकर भीख मांगता है ना, उसी तरह वो खुद का पैसा हमको दिखा कर तुम्हारा पोगार लेके चला गया। हाँ, मैं उसको बोली थी कि आप लोग का पेमेंट लेट आएगा तो आप लोग मेरे को पेमेंट लेट करेंगे, पर अभी वो समझ गया कि मैं खोटा बोली। फिर क्या, अब वो सारा पैसा लेके अड्डे पे जाएगा और उसको पैसा कम पड़ेगा तो सारा नशा के मेरे पर उतारेगा, इतना मारेगा कि उसके दारू का सारा नशा उतर जाएगा। ठीक है यार, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो हमें फोर्स करके मांगेगा ना तो हम कहेंगे नहीं देना, प्रॉब्लम है। हाँ। नहीं मैडम जी, अभी मेरा सच में जो भी प्रॉब्लम होएगा ना आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा। हाँ। ओहो, तब तो झूठ से काम नहीं चलेगा। उसे सबक सिखाने के लिए हमें ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि वो जिंदगी भर तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। बताओ ना, अभी हम कोरे क्या? हेलो। कोरे क्या?
पीने से पहले चाय तो बनानी पड़ेगी। जाओ बनाओ और डैडी एक कप मेरे लिए भी बना देना प्लीज। यही होता है हमारे देश में बेटी को बेटा बोलकर बहुत नुकसान होता है। अरे शेर सिंह, अरे तुम्हारे को मालूम है चमेली फिर से सोसाइटी में गिर गई कट पीस काट के। यार बड़ी गिरी हुई है। मतलब ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार गिरी हुई मिली है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग बिना गोली खाए कैसे गिर जाते हैं। और यार हमारी सरहद पे तो हमारे जवान गोलियां खा के भी सीना तान के खड़े रहते हैं। अरे पर मैं तो बगैर गोली खा के भी गिर जाता हूँ। कैसे? अरे स्कूल में होमवर्क नहीं करता था ना, तो पेट में दर्द का बहाना बना के गिर जाता था। बहुत नखरा करता था मैं। मेरे को लगता है ये चमेली भी ऐसे ही नखरे कर रही है। पर उसको कौन सा स्कूल का होमवर्क करना है जो वो नखरे करेगी? अरे देखो बाबा, वो सोसाइटी के होम में वर्क करती है ना, समझा करो यार। ओ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे सोचना तुम्हारा काम नहीं है कट पीस काट के, सोचना मेरा काम है। अब देखो मैं कैसे इसका बेहोश होके गिरना बंद कराता है। कैसे? देखो वो जब मेरे पास काम करने आएगी ना, तुम्हें टाइम नोट करेगा, कितना टाइम वो बेहोश रही वो नोट करेगा, कितना टाइम उसने काम किया वो भी नोट करेगा। फिर उसको बोलेगा देखो भाई तुम 10 मिनट सोई थी, उसका पैसा नहीं देगा। 5 मिनट तुमने काम किया, उसका पैसा देगा, जितना काम उतना दाम। अरे वो टीवी में नहीं होता है वो जो 10 सेकंड में इतना पैसा, 20 सेकंड में इतना पैसा, 1 मिनट का इतना पैसा, समझा? भाई शाबाश। अरे भाई इतने टाइम में तो मेरा नाश्ता भी हो जाता था, आज तो चाय भी नसीब में नहीं आई है। अरे हेमा किधर है तुम? जी यही तो हूँ। अरे तुम इधर है तो चाय किधर है? क्योंकि चाय बनाने के लिए चाय बनाने वाला बर्तन नहीं है। बर्तन? यस, क्योंकि आज काम पर काम वाली भाई चमेली नहीं आई है। अरे चमेली काम पर नहीं आई है, लेकिन मेरे को तो काम पे जाने का है ने? तो जाओ प्लीज गो। अरे गो बोलने से पहले चाय तो पीनी पड़ेगी। नहीं तो पी लो। अरे पीने से पहले चाय तो बनानी पड़ेगी। तो जाओ बनाओ और डैडी एक कप मेरे लिए भी बना देना प्लीज। यही होता है हमारे देश में बेटी को बेटा बोलकर बहुत नुकसान होता है। क्यों क्यों डैडी? कैसे? अभी तुम बेटा बनकर मेरे से चाय मांग रही है। अरे बेटी होती तो प्यार से मेरे लिए चाय लेके आती। डैडी जिस घर में मर्द काम वाली बाई के काम में किट किट करते हैं ना, उस घर में काम मर्दों को ही करना पड़ता है। अगर चाय पीनी है तो चाय का बर्तन धो, फिर चाय मिलेगी। अरे मैं बर्तन धो? मैं द ग्रेट शॉपकीपर टोडर मल? अरे कट पीस काट के हाथ भी नहीं लगाऊं बर्तन को? यस, फिर काम वाली बाई के काम में आप रोज रोज पनौती क्यों लगाते हैं? लग गई ना पनौती, नहीं आई वो काम पर डैडी। तो ठीक है मैं जाके होटल में चाय नाश्ता कर लूंगा। ओह डैडी 10 मिनट रुको ना। 10 मिनट में तुम चाय नाश्ता बना देगी? नो डैडी, 10 मिनट में मैं भी होटल जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। दोनों माँ बेटी मेरा खर्चा करवा करवा के मेरा दिवालिया निकाल देंगे। अरे जैसे मैंने तुम्हारी माँ को अपने ससुराल भेजा ना, वैसे एक दिन तुम्हारे को तुम्हारे ससुराल भेज दूंगा। जी मुझे ससुराल भेजने के लिए लड़का देखना पड़ेगा। लड़का देखा है आपने? अरे देख लेंगे, जब तुम्हारे को ससुराल में भेजना होगा ना तो लड़का भी देख लेंगे। लेकिन जिस दिन तुम ससुराल जाएगी ना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं ऐसे कोने में बैठकर सोचता रहूंगा, अरे मेरी मिठड़ी बेटी होती थी, कितना प्यार से मेरे लिए चाय बना के लाती थी। यस डैडी, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। डैडी आप 2 मिनट्स रुको, मैं आपके लिए अभी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। देखा, यही होता है हमारे देश की बीवी और बेटियों के साथ, जरा सा इमोशनल कर दो ना सीधा लाइन पे आ जाती है। कितना खर्चा बचा कट पीस काट के। डॉली डॉली पता नहीं कहाँ चली गई है। और ये चमेली आज नहीं आई। अरे रोज तो आके गिर जाती है, आज तो आके गिरी भी नहीं है। मैं शूटिंग पे लेट हो रही हूँ,
मेन लीड कर रही हूँ, एक भी सीन मेरे बिना नहीं है और चमेली भी आज नहीं आई है। हमेशा डॉली के बहाने से हमको मिलने आता है, हम क्या समझता नहीं है, सब समझता है बस उनको समझा नहीं पाता है, बट आज हम तुमको समझा कर ही रहेगा। हेलो बिशन जी, कहाँ खो गए आप? माय गॉड, सबको खोने की बीमारी हो गई है, इधर आप खो गए हैं, उधर चमेली खो गई है। डॉली, कविता, ओ कविता, कविता, कितनी बार कहेंगे कविता कविता कविता। वो हम तुमको ना, अरे कविता तुम इधर कैसे? ये हमेशा से हमारा लाइफ में गलत टाइम पे एंट्री मारता है। बोल रहा था सोसाइटी में जाके सबसे पगर लेके आएगा। अच्छा आने दो उसको, हम ठीक कर देंगे उसे। हम तुमको ना, अरे कविता तुम इधर कैसे? ये हमेशा से हमारा लाइफ में गलत टाइम पे एंट्री मारता है। ओहो डॉली, ये चमेली नहीं आई ना आज, तुम्हारे यहाँ आई है क्या? अरे इधर भी नहीं आई रे, इसलिए तो मैं किचन में काम कर रही थी। चमेली आज ना ऑफिस में आई है ना घर पे। देखो ऐसे तो फोन पे हमेशा बतियाती रहेगी, मैंने कहा है उसको कई बार कि जब काम पे नहीं आना हो तो फोन कर दिया करे, पर फोन भी नहीं किया। माय गॉड, मेरे बिना शूटिंग कैसे होगी? मैं ना राजलक्ष्मी से पूछती। अरे उसको क्या पूछना, मैंने फोन किया था, उसने बोला उसको भी पता नहीं है, वो पता करके फिर तुमको फोन करेगी। हाँ माय गॉड माय शूटिंग। प्रगतिशील नगरगळ स्वच्छते परिसर हागुम। हेलो, हाँ चमेली। अरे चमेली तू किधर है? अरे तू आई भी नहीं, कितना तकलीफ हुआ सोसाइटी में सबको पता है। अच्छा अगर नहीं आती तो मैंने कितने बार बोला है तुझे फोन तो करो, मैंने पैसा भी दिया है ना तुझे फोन करने के लिए, तू कभी फोन नहीं करती है, क्यों इस चमेली क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुमको, सब ठीक है ना? किधर ठीक है मैडम जी, आज फिर मेरे नौरे ने मेरे को बहुत मारा। क्यों? बोल रहा था कि पगार लेकर नहीं आई तो बहुत मारेगा। वो मारता है ना, बहुत दुखता है। बोल रहा था सोसाइटी में जाके सबसे पगार लेके आएगा। अच्छा आने दो उसको, हम ठीक कर देंगे उसे। नहीं नहीं मैडम जी, आप उसको कुछ मत बोलना, उसको ना चुपचाप से पकड़ दे देना, नहीं तो मेरे को बहुत मारेगा। अरे चमेली तू समझती क्यों नहीं है, ऐसे लोग ना तो पगार देगी ना तो भी मारेगा ही वो तुम्हें। हाँ मैडम जी, मगर कम मारेगा ना। मैडम जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती है, आप लोग उसको पगार दे देना, और हेमा दीदी को और सोसाइटी का सब लोग को बोलना कि उसके हाथ में पगार रख दे मैडम जी। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तू रोना बंद कर अभी, तू रो मत, रोना बंद कर। मैं ना एक काम करूंगी, उसको आने दो, वो आके जाएगा ना मैं तुम्हें बता देगा कि हमने क्या किया है, ठीक है? गुड गर्ल। फेर सिंगर ना, आप कैसा सबक सिखाया था वैसे चमेली के पति को भी सबक सिखाना। Cheers! देखो अभी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है, बीवी बच्चों को बुला लो अपने अंतिम दर्शन के लिए। राजलक्ष्मी मैम सब, ये क्या बोल रही है? ये सही बोल रही है दीपका, तुमने दारू पी के तेरे में एक छोटा सा कैंसर हो गया।